हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीचर्स एम्पायर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रवक्ता स्क्रीनिंग के कुछ क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा ये जो वीडियो है वो प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि आने वाले एक से दो महीने के अंदर आपको अपनी प्रवक्ता की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी चाहे अखबारों में कुछ भी खबरें चल रही हों आपको ये भरोसा मानना होगा और आपको इसी को लेकर तैयारी भी करनी होगी और उसी कड़ी में आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट नंबर दो होगा आपको पता है कितने लोग तो मेरे ही साथ जुड़े हैं चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो जो लोग अभी भी पिछले बार के जब से एल का रिजल्ट आया तब से तैयारी में वो लोग लगे हैं शुरुआत करता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रपति द्वारा अपना ताकपत्र संबोधित किया जाता है ऑप्शन आपको दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को देता है जबकि उपराष्ट्रपति भी अपने त्यागपत्र किसे देगा राष्ट्रपति को देगा ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है कौन सा स्थान चमोली में स्थित नहीं है ठीक है ऑप्शन आपको बताने हैं मलारी गाँव लोईथाप किमनी गाँव या गोरखा ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको पता है आपके सिलेबस में उत्तराखंड भी मेंशन है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के सिलेबस में और उत्तराखंड लगभग सभी स्क्रीनिंग के एग्जाम में सभी प्री एग्जाम में आता है तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा स्थान चमोली में स्थित नहीं है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो लिथाप इसका सही आंसर है ये क्वेश्चन मैंने परीक्षावाणी के संदर्भ में बनाया है अगर मैं बात करूँ लिथाप की तो ये स्थान है जो कि अल्मोड़ा में है जहाँ पे एक गुफा मिली थी और उस गुफा में हमको कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जिससे हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी होती है ये क्वेश्चन नंबर इलेवन था ये यहाँ पर आ गया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना आप स्कोर जरूर लिखेंगे आज मैं बारह क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ तो आउट ऑफ ट्वेल्व आपके कितने नंबर आए ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ताकि मैं आने वाले क्वेश्चन का लेवल बढ़ा पाऊँ और लाइक के माध्यम से आप लोग अपनी अटेंडेंस जाहिर करेंगे कि हाँ हमने वीडियो देख ली है चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं ऑप्शंस आपको दिया है सिक्सटी सिक्सटी फाइव फिफ्टी एट या सिक्सटी टू पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो जजेस होते हैं उनका रिटायरमेंट किस एज में होता है ऑप्शनस आपके सामने हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैंसठ साल की उम्र में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट होता है अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट यानी जो आपके उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायालय के जो रिटायरमेंट होते हैं जज वो साठ साल की उम्र में होते हैं ठीक है ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो आपको एडिशनल इन्फॉमेशन दी जा रही है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को नोट भी कर रहे होंगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा है ऑप्शन दिया गया है सत्रह दशमलव आठ उन्नीस दशमलव नौ सोलह दशमलव आठ या सत्रह दशमलव दो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उन्नीस दशमलव नौ इसका सही आंसर है ये क्वेश्चन आपके मैंने लिया है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र भी आपके सब्जेक्ट में दिया गया है आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र भी मेंशन है जिसमें राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद जैसे टॉपिक मेंशन है ठीक है मैं यहाँ पे प्रोक्ता स्क्रीनिंग के सिलेबस के हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आपको ये भरोसा टीचर्स एम पैर पर आँख बंद करके करना होगा कि जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही दिए जा रहे हैं मेरे सामने हमेशा सिलेबस का प्रिंट आउट होता है जब मैं इन क्वेश्चन को फॉर्म करता हूँ ठीक है बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है ये सब बाज़ार तय करता है ऑप्शन आपको दिए गए हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था ध्यान से आप क्वेश्चन को देखें कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भिय। में क्या उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है ये सब चीज़ें बाज़ार तय करता है उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हैं जो कि आपके अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के बेसिक होते हैं और आपसे जो भी जनरल स्टडी वाले पेपर में पूछा जाएगा वो आपसे बेसिक से ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन मैंने लूसेंट से अपने मन से बनाया है आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा आप वीडियो को लाइक के माध्यम से आप मुझे बताएंगे इन पी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन फॉर्म करने में आपके लिए आसान रहता है कि स्क्रीन को बड़ी करके अपना आराम से एम देखना ये बहुत आसान टास्क होता है आप लोगों के लिए लेकिन आप लोग के एक, एक लाइक और एक कमेंट करने में न जाने क्यों घबराते हैं ठीक है उम्मीद है टीचर्स एम्पायर की आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है आप इन वीडियोज़ को प्रमोट करिए जितना आप प्रमोट करेंगे आपके लिए और चीज़ें बेहतर मैं कर पाऊँगा ठीक है जैसे कल वाली वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसलिए मैं आज दो क्वेश्चन बढ़ा के लाया हूँ ऐसी अगर आज की वीडियो में टारगेट रहेगा फिफ्टी लाइक्स का अगर आप पचास लाइक से ज़्यादा अगर मेरी टारगेट कर देते हैं और कम से कम अगर आप दो शेयर कर देते हैं तो मैं कल फिर से प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा इसी तरीके से प्रश्नों की संख्या आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर फिफ्थ है वन नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है ऑप्शन आपको दिया गया है जोधपुर को देहरादून को लखनऊ को या कश्मीर को ठीक है ये क्वेश्चंस आपके भूगोल से लिया गया है जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि सामान्य भूगोल और भारत के भूगोल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देहरादून को आपका वन नगरी के नाम से जाना जाता है ठीक है यानी भारत में एक शहर है देहरादून जिसे वन नगरी के नाम से जाना जाता है और आपके उत्तराखंड की राजधानी भी यही है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है विश्व का सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है ऑप्शंस आपको दिए गए हैं काजीरंगा जिम कार्बेट मानस या नामदफा इसका सही आंसर है नामदफ़ा ध्यान दीजिएगा मानस और नामदफा ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं ठीक है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं जो हमारे प्रवक्ता की स्क्रीनिंग के जो भी ऑनलाइन बैच चल रहे हैं वो आपके 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने हैं ठीक है और उनकी फ़ीस मात्र दो हज़ार है जिसको भी उसमें एडमिशन लेना है आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं जो कि आपको ये नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है और एक सीट पर कम से कम आयोग पंद्रह लोगों को बुलाता है मेन्स एग्ज़ाम के लिए तो आप देख लीजिए कि आपकी सब्जेक्ट में सीट कितनी है गुना पंद्रह करके अपना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस हद तक मेहनत करनी है इस प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए ठीक है बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है पंचायती राज व्यवस्था किसकी दृष्टि पर आधारित है ऑप्शनस आपको दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो लोग शुद्ध लो हिंदी नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि जो पंचायती राज सिस्टम था वो किसके विज़न पर आधारित था उसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी के विज़न पर आधारित था ठीक है बर्ता हूँ क्वेश्चन नंबर एट की ओर फोर वेस्टा एक डैश है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है ठीक है ये फोर वेस्टा है ध्यान दीजिएगा तो फोर वेस्टा एक क्या है जिसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिए गए हैं उपग्रह है ग्रह है उल्कापिंड है या शुद्र ग्रह है ठीक है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फोर वेस्टा एक प्रकार का क्या है शुद्ध ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं ध्यान दीजिएगा ये पूरे भूगोल में एकमात्र ऐसा शुद्ध ग्रह है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखना कि एकमात्र शुद्ध ग्रह कौन सा है जिसे हम लोग अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं उसका सही आंसर क्या होगा फोर वेस्टा बिक्सिक से क्वेश्चन है आप मुझे स्कोर आप अपना ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में और वीडियो को आप लाइक करेंगे ताकि मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा पाऊँ ये बैचेज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है चूँकि आपने मेरे जो कम्युनिटी है उस पर आपने देख ही लिया होगा तो दो हज़ार रुपये का आपका मात्र अभी बैच है ठीक है और इसमें तीन से चार महीने आपकी कोर्स की वैलिडिटी होगी इसके साथ साथ एल टी इंग्लिश वालों के लिए भी एक स्पेशल बैच लॉन्च करा है जिसकी फीस मात्र दो हज़ार रुपये भरी गई है ठीक है इसलिए आप लोग इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे कि आपके लिए हर चीज़ टीचर से इंपायर कर रहा है ठीक है बस आप लोगों को क्या करना है अपना सहयोग देना है चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो ठीक है ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑनलाइन बैच में केवल और केवल आपकी प्रवक्ता जो सिलेबस में टॉपिक है केवल वही कवर किए जाएंगे आपको बाहर की कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई जाएगी ठीक है मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीआरटी की बुक से लिया गया है छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है ऑप्शन आपको दिया गया है निमोसा ओडीसी मिमोसा पुडिका या टच मस्ट प्लांट या सेस टर्म नॉक ठीक है आपने ये वैज्ञानिक नाम आपको हो सकता है जो आर्ट साइड वाले हैं उनको ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहा हो लेकिन आप यकीन मानिए ये आपके एन की बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है ठीक है तो छुई मई का जो पौधा है उसका जो वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका इस क्वेश्चन को आपको रटना ही पड़ेगा इसमें समझने वाला जैसा कोई भी बात नहीं है तो मिमोसा पुडिका हम लोग इसको बोलते हैं आपको मैं इसकी स्पेलिंग भी बता दूँ गे रही इसकी स्पेलिंग ठीक है एम आई एम ओ एस ए मीमोसा पुडिका ठीक है एम आई मीमोसा एम आई एम ओ एस ए मीमोसा पुडिका पी यू डी आई सी ए ठीक है मीमोसा पुडिका इसकी स्पेलिंग है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर टेंथ की ओर क्वेश्चन नंबर टेंथ है किस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था ऑप्शन आपको दिए गए हैं तराइन का प्रथम युद्ध पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत की दूसरी लड़ाई या तराइन का द्वितीय युद्ध इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बहुत ही फ़ेमस क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था ठीक है अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी ठीक है बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर इलेवन की ओर जो कि आपको मैंने पहले करा दिया अब बढ़ता हूँ ट्वेल्व की ओर पहला ग्रंथ जिसमें उत्तराखंड के बारे में हमें वर्णन मिलता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है महाभारत रामायण सामवेद या ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद ठीक है ऋग्वेद वो पहला ग्रंथ है जिसमें हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है कल की वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन मिस हो गया था उस क्वेश्चन को मैं आज की वीडियो में मैंने कवर किया है तांबा किन दो धातुओं का मिश्रण है ये आपके सामान्य विज्ञान से प्रश्न है आपके सिलेबस में विज्ञान भी मेंशन है ऑप्शंस आपको दिया गया है जिंक और कॉपर का गोल्ड और सिल्वर का सिल्वर और कॉपर का या कॉपर और आयरन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिंक और कॉपर का मिश्रण है कौन बा ठीक है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रेस ये एन -E के की बुक से आपका क्वेश्चन लिया गया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो को आप लाइक करेंगे जिस भी तरीके से ये चैनल आप तक पहुंचा है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है आने वाली जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी टीचर्स एम्पायर केवल और केवल टीचिंग एग्जाम्स के लिए ही जाना जाता है उत्तराखंड में ठीक है डू लाइक एंड डू शेयर जितना उस आप लाइक करिए अटेंडेंस अपनी आप लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कमेंट करिए अपने स्कोर को ठीक है ताकि क्वेश्चन का लेवल में बढ़ा पाऊँ ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू